ये साढ़े धान च सीत ब्लास्ट की बीमारी आई है जी। कितनी एकड़ में? लगभग सैकड़ों एकड़ फसल है जी, जेडे सैकड़ों ही किसान ने जी जिन्हों की फसल के बीमारी आई है। तुम इतों लैके लंबा एरिया करके देख सकते हो, धुर तक इस साइड भी और इस साइड भी जिन्हें एरिया तुम्हें विखन डे टोटली खराब होया। सैकड़ों किसानों की खेतों के बीमारी आई है। मुआवजा वगैरह मिला किसानों को? मुआवजा तो सरकार कह तो देती है भी साढ़े को मुआवजे के तौर पर साड़ा बी फसल बीमा किया जाता है, और जो फसल बीमा किया जाता उदों तो कहते हैं भी थोड़ी फसल का बीमा हो गया है, उनकी सुरक्षा हो गई है। पर जो आ बीमारी आ गई या फसल साड़ी खराब हो गई है, इस नाम से कोई मुआवजा नहीं, क्योंकि सरकार कहती है जब तक एरिए 75% बीमारी नाल फसल खराब ना हो, 75% जिमीदारों फांसी दी जाए तो मुआवजा देंगे, उवें नहीं असी मुआवजा देंगे। तो जो मुआवजा वाली बात आपने कही है, सरकार की पॉलिसी है पैसे डेबिट होते हैं, उसके बावजूद को फार्म वगैरह आपने भरा कुछ? फार्म भर के मैं देखे आया जी कैथल, फार्म भर के असी सारे किसान टोटल गए थे जी, सारे किसान फार्म भर के उत्थे देखे आए हैं। क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारी कहते हैं जी इस चीज़ का तो कोई मुआवजा बनता ही नहीं, कहता जब मीह पै गए या बरसात के नाल फसल खराब होएगी उनका मुआवजा देंगे। मतलब फसल में कोई बीमारी आ जाए उसका कोई मुआवजा किसान को नहीं मिलेगा? मुआवजा कोई किसान को नहीं मिलेगा। तो क्या मांग करते हो आप? असी सरकार को एक मांग करने हैं कि जेड़ा फसल का बीमा साढ़े को कट्टिया जाता है, जेड़े पैसे साढ़े जिमीदारों के खातों चो फसल बीमा की साढ़े जड़िया लिमिटा बनिया ने उन्हें जो कट्टे जाते हैं उनके मुताबिक साढ़ा सानू फसल का बीमा मिलना चाहिए। ये BLB है जी, ये तो हजारों किलो में आ रही है, सीवन ब्लॉक के तकरीबन किलो में आ रही है ये। तो किस तरह का नुकसान किसान को हुआ है? किसान को आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा है जी, इस पर तो खर्चा बहुत लग गया है, 30,000 के तकरीबन तो स्प्रे इस पर हो गई है जी, और इसमें से निकलेगा कुछ भी नहीं, इसको तो चाहे तो बीच में बहना पड़ेगा, चाहे इसको उतरना पड़ेगा, चाहे आग लगानी पड़ेगी। तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है फसल? हाँ जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जी। क्या मांग करते हो सरकार से? मांग तो मुआवजा करते हैं जी, बिल्कुल नाश हो गया, मंडियों में धान पहले नहीं बिक रहा और इसमें कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा किसान के। तो किसान कहीं ना कहीं दोहरी मार झेल रहा है? हाँ जी दोहरी मार झेल रहा है।